नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेव इंडिया जन फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर राजेश शर्मा। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। और उनके सहयोगी हमारे साथ इंद्रपाल सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पॉपुलेशन को लेकर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको लेकर बनारस, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, अंबाला, सोनीपत ऐसे बहुत सी जगहों के अलावा और भी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये सेमिनार कर चुके हैं, लोगों को अवेयर कर चुके हैं कि देश में जो पॉपुलेशन को लेकर दिन पर दिन परेशानी बढ़ती जा रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या उसके कारण है, क्या निवारण है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 11 जुलाई को एक कैंपेन होने वाला है मेरठ के अंदर जनसंख्या कंट्रोल को लेकर, तो इसके बारे में मैं मिस्टर राजेश से कहूंगी कि थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताएं। थैंक यू मैम। प्रेरणा जी, देखो 11 जुलाई को पूरी दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाती है और आज के दौर में लगभग एक दशक से पूरी दुनिया इस इशू को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ये अल्टीमेट देश के भविष्य के लिए खतरनाक है, देश के पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हम लोग सेव इंडिया जन फाउंडेशन जो बना है हमारा एक लोगों का समूह है, इसमें अच्छे गणमान्य लोग हैं, इसमें हर सेगमेंट के अलग अलग लोग हैं, इसमें डॉक्टर भी हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, हर सेगमेंट के लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो सेव इंडिया जन फाउंडेशन का जो हमारा वर्क है, हमारा वर्क है कि इस देश में पॉपुलेशन जिस रेशो में बढ़ रही है इसके लिए हम लोग नहीं पूरी दुनिया चिंतित है। आप देखिए कि जब ये देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ थी और आज़ादी से लेकर आज तक जब 35 करोड़ पॉपुलेशन, आज हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 135 से 40 करोड़ के आसपास है। यानी हम लोग पूरी दुनिया में 18% आबादी पूरी दुनिया में हमारे देश की है। और जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं पूरी दुनिया में तो हमारा क्षेत्रफल मात्र 2.4% है। हमारा पड़ोसी देश चीन है, हालांकि चीन की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, अब इस समय बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा जी। हम 135 से 40 करोड़ के आसपास है और चीन की आबादी लगभग 150 करोड़ है। हालांकि चीन ने एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया और उसे प्रभावी तरीके से लागू भी कराया जी। आज के हालात ये हैं कि हमें मतलब भारत और चीन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया जी। अगर अंतर भी है, आप देखो कि हम लोग 135-40 करोड़ हैं, हमारा क्षेत्रफल मान 2.4% है, चीन का क्षेत्रफल लगभग 0.9% है, 8.75 के आसपास है। तो ये जो स्थिति है हमारे सामने, चीन में तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनके पास संसाधन काफी जी, बिल्कुल जगह वहाँ पर ज्यादा है, उसके बावजूद उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कदम उठा लिया, लेकिन भारत में जगह कम होने के बावजूद भी अभी कोई कानून नहीं है। तो 11 तारीख को आपका जो कैंपेन है वो इसी को लेकर है कि कानून बनना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इससे बहुत ज्यादा फ्यूचर में गलत आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं बहुत ज्यादा, इसलिए। तो आप बताइए थोड़ा सा कि क्या आपके प्लान्स हैं 11 जुलाई के। सर मैम, सबसे पहले जागरूकता रैली है ये जी, हम स्कूल से और शहर के गणमान्य लोगों को एक मानव श्रृंखला के रूप में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाला टाइम अगर इस तरह पॉपुलेशन बढ़ती रही जी, तो आने वाला समय हमारा पर्यावरण दूषित होगा, पानी का संकट गहराएगा, बेरोजगारी तो है ही आप देख रहे हो देश में, और ज्यादातर लोग क्राइम में इन्वॉल्व होंगे, तो इस तरह आने वाले समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है अगर जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो जी। इसके परिप्रेक्ष्य में हम ये रैली निकाल रहे हैं जी। तो मिस्टर राजेश, ये बताइए कि क्या ऐसे कानून में क्या ऐसा कानून होना चाहिए जो पूरे देश में पारित हो, जिससे लोगों के अंदर एक डर बने कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ही लोगों के लिए गलत प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए प्रेरणा जी, ऐसा है कि ये तो आज के दौर में भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में लोग निरक्षर ज़्यादा हैं, है ना, आज हम लोग लगभग 85% साक्षर हैं। ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इतना भी देखना जानना पड़ेगा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, संसाधनों की स्थिति कैसी है। आज आप देखिए हम लोग यहाँ गंगा यमुना के दोआब में हैं, आज हम लोग जल के संकट से जूझ रहे हैं, यहाँ हम रोड पे जाम के संकट से जूझ रहे हैं, यहाँ हम बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं, यहाँ किसान आर्थिक तंगी से जूझता है, लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो मजदूर हैं
उन्हें हम लोग रोजगार नहीं दे पा रहे, ये सब एकमात्र पॉपुलेशन की देन है। हमने जल को प्रदूषित कर दिया, जल संकट हो गया, हमने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया, हमने पेड़ों को जो है काटना शुरू कर दिया, हमने लगातार ग्लेशियर को नष्ट करना शुरू कर दिया, और फिर हम ये अपेक्षा करें कि सरकार हमें कुछ दे या कुछ बेहतर हो। हमें लगता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर इसी तरह पॉपुलेशन में वृद्धि होती रही, जनसंख्या बढ़ती रही, तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर हम लोग नहीं संभले तो 20 से 30 साल बाद इस देश में क्रांति जैसी आएगी। क्योंकि आज के हालात जैसे हैं, हमें पता है कि 20 से 25 साल बाद हमें पीने का पानी या मुयस्सर नहीं होगा। जी, आजकल बहुत बड़ी, सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है जनसंख्या को कंट्रोल करना, क्योंकि इसी से बहुत सारे लाइंस हैं कि आप बेरोजगारी को ले लीजिए या फिर जो डेवलपमेंट है उसमें रुकावट आ रही है। अगर आप बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो डेवलपमेंट तो रुक ही रहा है, क्योंकि विकास करने में ही अगर आपका टाइम और पैसा और सारे रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो फिर जनसंख्या को आप कैसे रोकेंगे? देखिए प्रेरणा जी, हमारा एकदम सीधा सिद्धांत है, ये तो मैं नहीं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब इस बात को जान रहे हैं कि जो पैसा इस समय देश के डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, वो पैसा हमारे देश में गरीबी, जो गरीब है, गरीबी को ऊपर उठाने के लिए खर्च हो रहा है। मतलब आज़ादी के 70-72 साल बाद हम अभी तक गरीबी को नहीं मिटा पाए, हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, हम लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दे पाए, हम लोगों को अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दे पाए, हम लोगों को अच्छी सड़कें नहीं दे पाए, और हम लोगों को बेहतर जीने का तरीका नहीं दे पाए। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि कितने सारे प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार चलाती है, आंगनबाड़ी की औरतों को भेजते हैं, 10 तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विफल होते जा रहे हैं। तो कहाँ पर कमी छूट रही है, लोग अवेयर नहीं हो रहे, या सरकार कमी छोड़ रही है जो एक रूल बनाने की नौबत आ रही है? क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम बराबर चलाती है सरकार, उसके बावजूद ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या है वो? देखो, सबसे पहले दुनिया में हम दो, हमारे दो का जो नारा दिया था हिंदुस्तान की संसद ने दिया था 1952 में, हमारे देश के संसद में ये नारा दिया गया कि हम दो हमारे दो जी। उन्होंने आकलन भी कर लिया था कि अगर हम दो हमारे दो वाला वो नहीं होगा सिस्टम हमारे देश में, तो यहाँ 70-80 साल बाद हालात एकदम विपरीत होंगे। तो ऐसा नहीं कि हम दो हमारे दो का चला, उसके बाद फिर बहुत सारी प्लानिंग जो परिवार नियोजन के नाम पे है, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी प्लानिंग भी की, प्लानिंग में काम भी किया। दिक्कत इस बात की है कि हम लोग जो पैसा खर्च हुआ अरबों रुपया, हम ये नहीं, मतलब ये मैसेज नहीं दे पाए देश को कि भाई ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये देश की बेहतरी के लिए है, इस देश के रहने वाले वासिंदों की बेहतरी के लिए है। परिवार नियोजन के नाम पर जो पैसा आया, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो और चाहे उसे उपभोग करने वाला महिला या पुरुष हो, हमने उसे इस्तेमाल तो कर लिया जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए गए हमें, पर हमने उसे जो है ये नहीं जाना कि आखिर इससे लाभ क्या होंगे जी। इसे ग्राउंड लेवल पर नहीं इम्पोज किया, बहुत ज्यादा नहीं किया गया, अवेयर तो नहीं किया गया। भले ही उन्होंने वो चीजें बांट दी, परिवार नियोजन के उन्होंने प्रोग्राम बताए या फिर जितने इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें यूज करने के लिए कहे गए थे वो उन्होंने किए, लेकिन लोगों ने अपनी मानसिकता नहीं बदली कि क्या उन्हें दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते। यही तो वजह रही, आप देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ उस समय हमारे देश की पॉपुलेशन 42 करोड़ थी जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, और आज हमारे देश की पॉपुलेशन 135-140 करोड़ है। मतलब इतना पैसा, इतना हजारों अरब रुपए हम लोगों ने किस पर खर्च कर दिया, क्या फायदा हुआ? हमारा मानना यह है कि देखो, ये भारत देश के लोग कानून से डरते हैं। अगर आज मुझे बैंक में खाता खुलवाना है और मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो मैं खाता नहीं खुल सकता जी। तो मेरी मजबूरी होगी, मैं खाता खुलवाऊंगा। नियंत्रण पे एक प्रभावी कानून बनाना होगा अगर इस देश की बेहतरी चाहते हैं। आप देखिए कि जब हम गुलाम भारत की बात करते हैं, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, पूरे देश में जो क्रांतिकारी शहीद हुए हम उनके गुणगान करते हैं, उन्हें याद करते हैं। क्या उन्होंने इसलिए अपनी जान को बलिदान किया था कि आने वाले 70 साल बाद आज़ादी के बाद इस देश के ऐसे हालात होंगे, यहाँ पीने को पानी नहीं होगा, यहाँ बच्चा कुपोषण में होगा, यहाँ चलने को सड़कें नहीं होंगी, ऐसा थोड़ी सपना देखा था? उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो मेरा मानना यह है कि हमें जो है इस देश में, अगर इस देश को बेहतर करना है तो सबसे पहले डेवलपमेंट कार्यों से पहले पॉपुलेशन की नीति को टाइट करना होगा, जनसंख्या पे कानून बनाना पड़ेगा, और हमें ये उसमें करना पड़ेगा कि भाई पॉपुलेशन के अगर दो से ज़्यादा तीसरा बच्चा होगा, ठीक है अब तक जो हुआ हुआ, जिस दिन से ये कानून बने उस दिन से कहा जाए
कि भाई अब अगर आपके दो या तीन बच्चे होंगे तो आपके बैंक में खाता नहीं खुलेगा, आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, आपको सरकारी जो संसाधन का लाभ नहीं मिलेगा, आपका सरकारी स्कूल में कोई एडमिशन नहीं होगा। मतलब हमें ये सब तो बांधना पड़ेगा ना। जब ये कानून का डर होगा तभी तो पॉपुलेशन कम होगी। हम लोग पिछले 4 साल से एक पूरी टीम है, पूरी टीम काम कर रही है, हम लोग लोगों के बीच जाते हैं। तो ठीक है, अब लोग कहने लगे कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। एक अलग अलग संगठन, अलग अलग स्टेट से आवाज़ उठने लगी कि भारत सरकार को संसद में अब विकास नीति से पहले पॉपुलेशन नीति बनानी होगी। जब तक पॉपुलेशन नीति नहीं बनेगी तब तक काम नहीं होगा। हम लोगों का जो अपना प्रोग्राम है सेव इंडिया जन फाउंडेशन का, तो हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं और लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन, चूँकि आंदोलन के दो तरीके हैं, जो लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें बेवकूफ़ समझेंगे, हमारी बात को इग्नोर करेंगे। चूँकि हम जो बात कर रहे हैं उसका मानना यह है कि ना हम उनके पास जाएंगे, हम तो लोगों से ये बात कर रहे हैं, जो शहर, जो देश के गणमान्य लोग हैं, नौजवान हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप उनसे मत कहिए, आप सरकार से कहिए। चूँकि सरकार उन्हें संसाधन मुहैया करा रही है, उन्हें बहुत सारे वजीफे मिल रहे हैं। नहीं नहीं, लोगों को कह के देख लिया, समझा के देख लिया, अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि आपको एक रूल इम्पोज करना ही होगा ताकि लोग माने। तो सर आप बताइए कि 11 तारीख को जनता से क्या अपील है आपकी, कि लोग कितने लोग आपसे जुड़े और क्या मैसेज आप जनता को देना चाहते हैं? हम प्रेरणा जी यही कहना चाहेंगे कि ये जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है जी, ये आने वाले समय में बहुत हानिकारक है। और दूसरी बात यह है कि आज देख लो 65% देश में युवा है जी, आज बेरोजगार है। हमारा मानना यह है कि हमारे साथ शामिल होके लोग इस आंदोलन में शामिल हो और मैं सरकार को मैसेज दें कि जनसंख्या नियंत्रण बनना बहुत जरूरी है। आज जितने आपराधिक मामले हैं आप देखो, सब पढ़े लिखे युवा उसमें शामिल है। और आप देख लो, आप साइबर क्राइम को ले लीजिए, वहां पर भी सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं धरातल बिल्कुल जीरो है। कारण क्या है कि जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है कि कितनी भी योजनाएं बना लो, आप जो विकास का सही बोला भाई साहब ने कि जो विकास की जितनी योजनाएं हम चला रहे हैं लेकिन वो सब गरीबों के लिए, और जो बढ़ती जनसंख्या है, कुपोषण के शिकार हुए लोग, बेरोजगारी है, और आप कहीं ना कहीं देख लो आप कि जितना क्रिमिनल तबका है वो पढ़ा लिखा युवा है, वो फ्रस्ट्रेशन में घूम रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है। और वही वाली बात है कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी, कितना रोजगार सरकार मुहैया करवाएगी। देखिए, हम लोगों ने 11 जुलाई को जो अपना एक प्रोग्राम फिक्स किया है, हमने शहर के गणमान्य लोगों से, सीनियर सिटीजन से, नौजवान लोगों से, छात्रों से एक अपील की है कि चूँकि ये जागृत, ये एक जागरूकता प्रोग्राम है, हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप कमिश्नर पार्क आइए, एक लंबी मानव श्रृंखला बनाएंगे। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम लोग का प्रोग्राम होगा, एक मानव श्रृंखला बनाएंगे, सबके गले में पट्टियाँ होंगी कि पॉपुलेशन से कितना, मतलब कितना नुकसान है, क्या क्या नुकसान है, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे जल का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, तमाम वो सब डाटा होंगे। और हमने सबसे अनुरोध किया कि आप आइए, क्योंकि ये प्रोग्राम, देखो पॉपुलेशन का जो इशू है जनसंख्या, ये ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख है, ना ईसाई का है, ये तो पूरा देश है। ये पूरे देश का इशू है। और हमारा मानना ये है कि जो लोग धर्म और समाज से बंधे हुए हैं, जो इसके हालांकि विरोध नहीं कर रहा, पर हमें लगता है कि अगर देश सुरक्षित होगा तो इस देश में रहने वाले धर्म, जाति, समुदाय सुरक्षित होंगे। हमें सबसे पहले देश को देखना होगा, पॉपुलेशन कम होगा, कम हो, जिस परिवार में पॉपुलेशन कम होगी उस परिवार को भी इससे फायदा होगा, उसके जो रिसोर्स हैं वो कम खर्च होंगे, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, बेहतर उन्हें अच्छी कहीं विदेश में पढ़ा सकते हैं, आप अच्छा मकान बना सकते हैं। एक परिवार में 10 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों का लगभग सामान्य आय का स्रोत है ना, तो जो बेहतर अच्छी पढ़ाई कर सकता है, जो 2 बच्चे हैं वो कर सकते हैं, 10 में किस किसी करेंगे। तो 11 जुलाई को हम लोगों का पहले एक आह्वान था कि सेव इंडिया फाउंडेशन विश्व जनसंख्या दिवस पे मेरठ में जेल भरो आंदोलन चलाएगा। इसी बीच में एक पुलिस के अधिकारी ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई ये बेहतर इशू है, बहुत अच्छा है, और हमें लगता है कि पॉपुलेशन के इशू पर कोई आपको जेल नहीं भेजेगा, तो रिक्वेस्ट की कि आप जेल भरो आंदोलन इसे स्थगित कर दो, आप जागरूकता वाला। दूसरा, जो सेव इंडिया फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, उन सब की एक राय बनी कि हम लोग 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पे एक मानव श्रृंखला बनाएंगे, उसमें नौजवान भी होंगे, सीनियर सिटीजन भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सुबह जो कि मॉर्निंग वॉक में आते हैं वो भी आएंगे, स्टूडेंट भी आएंगे, महिला पुरुष, और हमें लगता है कि इस बार विश्व जनसंख्या दिवस पर देश के कोने कोने में, हर स्टेट में, हर जिले में, हर शहरों में इस तरीके से जागरूकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मेरठ से ये पहल तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 71 अवेयरनेस प्रोग्राम सेव इंडिया जन फाउंडेशन कर चुकी है, एक बार फिर से इस तरीके की पहल की जा रही है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इनके साथ मिलिए, जुड़िए, साथ दीजिए। और ये सिर्फ मेरठ में नहीं, बल्कि आप भी जिस शहर से बिलोंग करते हैं वहां पर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सेव इंडिया जन फाउंडेशन को। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे फर्स्ट बाइट के अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।